हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज से आपका KVS पेडागॉजी की क्लास चलेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उसमें जो दिया है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की अवधारणा है जिसे अभिवृद्धि भी कह सकते हैं, मैचुरेशन और डेवलपमेंट। तो ये तीनों टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और ये शिक्षार्थी को समझने वाला जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, उसके अंदर आता है ये। ठीक है, तो आज से आपका स्टार्ट है ये। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहले तो हमें ग्रोथ को समझना है कि ग्रोथ क्या होता है, जिसे हम वृद्धि अभिवृद्धि भी कह सकते हैं किसी भी नाम से, या समृद्धि भी कह सकते हैं। और ये जो कंटेंट लिया गया है, ये NIOS जो DLED है वहाँ से, NCERT से भी लिया गया है और अदर जैसे अदर बुक से भी ये लिया गया है। तो आपको ये मिक्स करके मैं बता रही हूँ, ये नोट्स मैंने ही बनाया है। तो ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या होता है, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। वृद्धि संरचनात्मक एवं शारीरिक परिवर्तनों को दिखाते हैं। तो बेसिकली जो ग्रोथ होता है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर जो पार्ट्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होता है, जो चेंजेस होता है, उसको ये दिखाता है। या फिर इंग्लिश में अगर हम बात करें, ये बाइलिंगुअल ही होने वाला है आपका क्लास, तो क्योंकि इंग्लिश के टर्म्स भी आपको आने चाहिए। द साइज अटेंड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द फिजिकल मेच्योरिटी। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम जो आप जो सेल होता है, सेल डिविज़न होता है, फिर बहुत सारे सेल बनते हैं, फिर मासेस ऑफ सेल्स बनते हैं, तो इस तरीके से आपकी ग्रोथ होती है। तो ये जो ग्रोथ होती है, मतलब हमारे डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स में जो साइज़ इंक्रीज होती है, उसको हम कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, या फिर फिजिकल मैच्योरिटी जो होती है, जो हमें दिखाई देता है बेसिकली, उसको कहते हैं। इसका मापन किया जा सकता है, इसका मात्राकरण किया जा सकता है। ठीक है, और जैसे कि आपकी हाइट हो गई, हाइट आप जब छोटे थे थोड़ी सी बड़ी, और जब एज हो गया आपकी हाइट बढ़ती गई, पर एक लिमिट में जाते जाते आपने देखा होगा कि आपकी जो हाइट है वो रुक गई है। तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होता है, मतलब एक इसकी लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आपकी ग्रोथ होगी। जैसे कि आपका वेट हो गया, वेट में आदि में वृद्धि होती है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो कि जिसको मेज़र किया जा सकता है। नेक्स्ट कम टू द डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में विकास कहते हैं। तो विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया होती है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी हम कह सकते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में बढ़ता रहता है, यानी जो भी लाइफ साइकिल है उसमें वो बढ़ता रहता है एवं परिवर्तित होता है। डेवलपमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, विकास शब्द उन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके होने की एक दिशा होती है, एक डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तथा जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों, जो भी पहले चीज़ें हो चुकी हैं, जो फैक्टर पहले जिसका विकास हो गया है, उनसे उनका संबंध होता है, मतलब ये इंटर रिलेटेड होते हैं, जो भी क्षेत्र होते हैं इसके आपस में जुड़े होते हैं, जो बाद में ये निर्धारित करते हैं कि इसके बाद, इन परिवर्तनों के बाद क्या होगा, यानी क्या घटित होगा या किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो ये सभी परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि इस परिवर्तन के बाद क्या होगा। तो ये एक डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। ठीक है, और विकास सतत प्रोसेस होती है, ये आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। देखिए, अगर क्या होता है, अगर कोई आपको बीमारी हो गई, मतलब अल्पकालिक बीमारी या कोई डिसऑर्डर डिजीज़ हो गई, तो जो इलनेस होती है उसके कारण जो आपके बॉडी में चेंजेस होती है, जो विकास में चेंजेस, जो अस्थाई परिवर्तन, टेम्पररी चेंज जो होता है, उसको हम विकास के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर कंसीडर नहीं करते। तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ये लिखा हुआ है, ये लॉरेंस फ्रैंक के अनुसार, फ्रैंक ने जो वृद्धि के बारे में बताया था कि अभिवृद्धि क्या है, एक कोशीय वृद्धि माना है, तो सेलुलर डेवलपमेंट माना, सेलुलर ग्रोथ माना है लॉरेंस के फ्रैंक ने, अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि माना है। तो ये नोट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट वाइज जो डेफिनेशन दी गई है उसको मैं आपको सेपरेट वीडियो में कराऊंगी, तो इसमें मैं जो अभी टॉपिक है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो करा रही हूँ, बाकी मैं इससे जुड़े सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो विकास के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो विकास के फलस्वरूप होने वाले सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते। ठीक है, जो चेंजेस होती हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। अतः आकार में जो परिवर्तन होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, जो अनुपात में परिवर्तन होता है, जैसे बच्चे
बच्चे से आप प्रौढ़ बनते हो, अभिलक्षणों अथवा आकृति में जो परिवर्तन होता है जैसे दूध के दांतों का निकल जाना तथा नई आकृतियों या अभिलक्षणों को पाना या सभी परिवर्तन अपनी गति, इनकी जो पेस होता है, इनका पेस जो होता है वो अलग अलग होता है। सभी जो विकास होता है एक गति से नहीं होता है, सभी परिवर्तन तथा व्यापकता के स्तर पर भिन्न होते हैं। ये जो भी विकास हो रहा है वो एक ही पेस पे नहीं होता है, यानी इनका टाइम जो है अलग अलग होता है, एक गति से नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जो विकास होता है एक ही गति से नहीं होता है। ठीक है, ये जब हम थ्योरी पढ़े, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ना डेवलपमेंट के, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जो डेवलपमेंट होता है एक पेस से नहीं होता, एक गति से नहीं होता, अलग अलग गति से होता है। ठीक है, जो ग्रोथ होता है यानी जो वृद्धि है या अभिवृद्धि है, समृद्धि है, ये विकास का ही एक पक्ष है। ठीक है, और विकास वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में उन परिवर्तनों से संबंध है जो पर्यावरण स्थिति के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो विकास में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं, उनका ये गुणन होता है विकास। बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है एच इंटू ई होता है, वुडवर्थ ने कहा था, जो भी हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो विकास के में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो उन सभी में परिवर्तन, उनके कारण जो परिवर्तन होता है वो भी विकास के अंदर आता है। विकास इस प्रकार एक से अधिक समावेशी शब्द है, मतलब विकास जो है एक इंक्लूसिव शब्द हो सकता है, माना जा सकता है, जिसका एक दूसरा तत्व तो क्या है, मैच्योरेशन या परिपक्वता भी कहलाता है। परिपक्वता के बारे में भी हम अलग अभी देखेंगे, तो परिपक्वता के बारे में यहाँ पे छोटा सा समझ लेते हैं कि मैच्योरेशन क्या होता है। तो मैच्योरेशन उन परिवर्तनों को इंगित करता है, डिनोट करता है, जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा उस आनुवांशिक रूपरेख से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में समानता उत्पन्न करते हैं। देखिए, तो मैच्योरेशन, देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो मैच्योरेशन, मतलब डेवलपमेंट का जो मैच्योरेशन होता है एक स्टेज को फॉलो करता है, एक सिक्वेंस को फॉलो करता है। बेसिकली देखिए, जब आप छोटे होते हो लोग कहते हैं नहीं मैच्योर होना, तो ये मैच्योर आप एक सर्टेन पीरियड तक ही होते हो, मैच्योरेशन आपका सर्टेन पीरियड तक ही होता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। लेकिन अगर लर्निंग पूछा जाए, सीखना क्या होता है, ये सीखना जो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होती है, कभी ख़त्म नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हो। लेकिन मैच्योरेशन एक लिमिट पर जाके खत्म हो जाता है, ये सीक्वेंस को एक आप बहुत मैच्योर हो जाते हो तो उस टाइम पे ये मैच्योरेशन नहीं होती। तो ये सीक्वेंस को फॉलो करता है, ये डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है हमारा उससे ठीक है, ये बेसिकली जो मैच्योरेशन होता है किसका, डेवलपमेंट और ग्रोथ का, ये एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, और ये बेसिकली इन्वायरमेंट का और जो भी आसपास चीज़ें उससे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस मैच्योरेशन पे। मैच्योरेशन जो होता है ये हमारे अंदर से कंट्रोल होता है, हमारी बॉडी के इंटरनली कंट्रोल होता है, ये हमारी जेनेटिक फैक्टर से कंट्रोल होता है, ये बाहर से इस पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। ना कि कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है मैच्योरेशन के लिए, ना कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में के अंदर ही ये कंट्रोल किया जाता है, बॉडी के अंदर ही, और एक लिमिट पर जाके जब आपकी मान लीजिए एडल्ट आप हो गए तो वो मैच्योरेशन रुक जाती है। ठीक है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है, मतलब डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब यहां पे ईबी हरलॉक ने क्या कहा था कि विकास की अवस्था, मतलब अनुसार विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, मतलब जैसे जितने भी विकास की अवस्थाएं होती हैं एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था, स्टेटमेंट लिख लीजिए, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। अगर विकास की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी, परिभाषा लिखनी, तो विकास जो है एक गतिशील डायनामिक क्रमबद्ध तथा जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चल रहा है, यानी वुम्ब टू टूम, यानी गर्भ से लेके कब्र तक जो होता है विकास, जीवन पर्यंत चलता रहता है, उसको हम कहते हैं, और ये गर्भ से लेकर कब्र तक होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंस क्या होता है, जो कि NISDLA वाली बुक में दिया हुआ था। तो डिफरेंस क्या है वृद्धि और विकास में, अगर अंतर पूछ लिया तो आप किस तरीके से लिखेंगे। अगर हम बात करें तो वृद्धि जो होती है आकार में बढ़ोतरी होती है जिससे मापा जा सकता है, ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि डेवलपमेंट क्या होता है रूप और आकार में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं ये होता है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि विकास का ही एक अंश होता है, जबकि विकास परिवर्तनों को संपूर्णता से संबंधित करता है। ठीक है, वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है, विकास शारीरिक परिवर्तनों के जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तनों को दिखाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वृद्धि जो है एक
वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है। अभी मैंने बताया परिपक्वता जो है मैच्योरेशन भी रुक जाती है एडल्ट होने पर, मतलब एज हो जाती है जब, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, वो वोम्ब टू टूम चलता रहता है, यानी गर्भ से लेके कब्र तक चलता रहता है। वृद्धि जो होती है अवलोकन योग्य होती है और मापन योग्य होती है, यानी जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आपकी हाइट बढ़ गई और आपका वेट बढ़ गया, बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स है उसके ग्रोथ हो रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हो और ये मापन योग्य है। गुणात्मक परिवर्तन या विकास पूर्णतया अवलोकन योग्य या मापन योग्य नहीं होता, इसको आप देख नहीं सकते ना ही मापन कर सकते, ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। देखिए वृद्धि विकास में आ सकती है या नहीं भी आ सकती है, तो वृद्धि जो है विकास में विकास के अंदर ही आती है और नहीं भी आ सकती है, लेकिन विकास व्यक्ति की क्रियाशीलता में सुधार कर वृद्धि को शामिल कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो विकास इसको शामिल कर सकता है वृद्धि को, और नहीं भी कर सकता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही जैसे ही हैं। मैच्योरेशन की बात करेंगे, जैसा मैंने बताया कि डिटेल में पढ़ेंगे परिपक्वता क्या होती है। तो देखिए पहली बार अगर बात करें परिपक्वता शब्द का यूज किसने किया था चाइल्ड डेवलपमेंट में, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ, ए जैसल ने किया था, पूछा नहीं जाएगा वैसे लेकिन लिख लीजिए, ए जैसल ने पहली बार परिपक्वता शब्द का यूज किया था। इन्होंने दिया नहीं था लेकिन उसका यूज किया था चाइल्ड डेवलपमेंट में, ए जैसल, ठीक है। गेट्स और जेसेल्ड के अनुसार परिपक्वता क्या है, तो परिपक्वता वह वृद्धि है जो पर्यावरण की एक विस्तृत श्रृंखला के भीतर अनियमित रूप से आगे बढ़ती है, या जो प्रशिक्षण और अभ्यास जैसे अनुकरण की विशिष्ट स्थितियों के बिना होती है। मतलब ये वृद्धि जो होती है बॉडी, हमारे बॉडी में इंटरनली कंट्रोल होती है, जो एक सिक्वेंस को फॉलो करती है जो कि ग्रोथ के साथ होती रहती है। लेकिन ये क्या होता है, जब जब आपका मैच्योरेशन होगा तभी आप कुछ चीज़ सीख सकते हो, ठीक है। लर्निंग जो होती है तभी सीख सकते हो अगर आप मैच्योर रहते हो, और इसमें इसके लिए कोई ट्रेनिंग या प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे किंग्सले के अनुसार क्या है परिपक्वता, परिपक्वता वह प्रक्रिया है जिसे हम कभी भी व्यवहार द्वारा भौतिक संरचना की वृद्धि और विकास के फलस्वरूप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये इरिवर्सिबल होता है, इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंटरनल बॉडी जो जेनेटिक है वहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। और इसमें कोई ट्रेनिंग या प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बाहर का जो वातावरण है इन्वायरमेंट का, इसका इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन या परिपक्वता का क्या क्या कैरेक्टर होता है, विशेषता क्या है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, स्वचालित प्रक्रिया होती है, ठीक है, और एक समय पे जाके ही रुक जाती है, जैसे ग्रोथ रुक जाता है। एसेंशियल फॉर लर्निंग स्किल, यानी सीखने के लिए ये ज़रूरी होता है। देखिए देखिए मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन जो है लर्निंग का पार्ट नहीं हो सकता, लेकिन लर्निंग जो है तभी होगा जब मैच्योरेशन होगा। मैच्योरेशन में लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन देखिए लर्निंग सीखना तभी होता है जब आप मैच्योर होगे, मैच्योरेशन होगा। आप तब तक नहीं सीख पाते जब तक आपके मैच्योरेशन नहीं होगा, तो इसीलिए कहते हैं ना जब आप मैच्योर होगे तभी सीखोगे, परिपक्वता होगी तभी आप सीखोगे। तो किसी भी कौशल को सीखने के लिए आपका इतना हो गया है कि आप उस कौशल को सीखने के लिए मैच्योर हो गए हो। आप कोई भी स्किल तभी सीख सकते हो, सीखना तभी हो सकता है जब आप मैच्योर हो उस एज में, और उस मैच्योरिटी को आपने गेन कर लिया हो, ठीक है। ठीक है, अगर मैच्योरिटी नहीं तो आपकी लर्निंग भी नहीं होगी। कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ का मतलब वृद्धि का समापन करता है। परिपक्वता तब आती है जब वृद्धि पूरी हो गई हो, ठीक है, जब वृद्धि हो जाती है पर्टिकुलर एज फेज में या अवस्था में, तब आपका परिपक्वता आती है। या एक जगह दिया है कि तीनों साथ चलते हैं, वृद्धि और विकास परिपक्वता साथ भी चलते हैं। मॉडिफिकेशन फ्रॉम विद इन विद इन बॉडी, ये कह सकते हैं, तो बॉडी के अंदर से जो संशोधन होता है या हमारी बॉडी के अंदर से ही बदलाव शुरू होता है, ये हमारी मतलब इस पर कोई भी बाहरी फैक्टर होता है इसका इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये हमारी बॉडी के अंदर से ही कंट्रोल होता है, यानी जेनेटिक फैक्टर कंट्रोल करता है। सम ऑफ जीन इफेक्ट, यानी इस पर जीनों का प्रभाव का योग है। ये परिपक्वता अनुवंशिकता से प्रभावित होती है, तो ये बात तो भी मैंने ऊपर ही बोल दी। परिपक्वता वृद्धि और विकास के साथ आती है, तो ये वृद्धि जब हो जाएगी विकास हो जाए तब उसके साथ आती है, तो ये भी बात है। चलिए अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले या विकास को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपके हेरिडिटरी फैक्टर आते हैं, आनुवंशिक जो फैक्टर होते हैं आनुवंशिक कारक, और एनवायरमेंटल जो वातावरणीय कारक होते हैं वो आते हैं। तो आनुवंशिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो आनुवंशिक कारक या हेरिडिटरी फैक्टर क्या क्या हैं, अपनी भूमिका, जैसे कि अपनी भूमिका माँ के गर्भाशय में संकलन फर्टिलाइजेशन के समय ही निभाती है, जब
आप एक बेबी बनना शुरू हो जाता है उसी के टाइम जो होता है ये जेनेटिक फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर देता है। संतान में उसके तत्कालिक अभिभावक से जीन और गुणसूत्रों के रूप में जो अंतरित होता है और इस समय आनुवंशिक योगदान को संस्थापित करता है, तो मतलब दोनों पेरेंट्स का कुछ ना कुछ जीन्स आए रहते हैं, तो ये क्या करता है आपके विकास को प्रभावित करता है। यह योगदान वास्तविक प्रारंभ बिंदु और सभी वृद्धि एवं विकास के लिए आधार है जो कि बच्चे के जीवन के बाद स्थान लेता है। और जब बच्चा बाहर आ जाता है, तब गर्भाशय से बाहर आ जाता है और इस दुनिया में आ जाता है, तो ये जो अनुवांशिक फैक्टर होते हैं उस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ऊँचाई, जैसे कि आपकी हाइट का भी कहीं ना कहीं ये डिसाइड करते हैं, आपका वजन, आँखों की त्वचा का रंग, आँखों का रंग, बालों के लक्षण, ये सभी आनुवंशिक प्रभाव द्वारा निर्धारित होते हैं। तो इन सब पे कहीं ना कहीं आपके जो फिजिकल अपीयरेंस पे कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके जेनेटिक फैक्टर का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें अगर आप कोई बात करें, एक होता है फिनोटाइप कैरेक्टर्स। तो फिनोटाइप क्या होता है, जिसमें आपके जो ये हाइट है, आँखें हैं, त्वचा है, ये चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये जो पेरेंट्स से आई हुई हैं, तो ये दृश्य प्ररूप या फिनोटाइप कहलाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जीन प्ररूप, जीनोटाइप कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं डीएनए वगैरह, तो ये जीनोटाइप हो गया, जीन्स का प्रभाव जो हमें दिखाई नहीं देता है। ये दोनों टर्म आप याद कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं का प्रभाव किस तरीके से होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस जो होते हैं। तो कॉग्निटिव प्रोसेस की भूमिका का संबंध ज्ञान एवं संबंध अनुभव प्राप्त करना तथा इससे संबंधित मानसिक क्रियाओं जैसे थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि से है। तो ये सारी कॉग्निटिव प्रोसेस जो होती हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। इमोशनल या भावात्मक कारक क्या होता है, ये भावात्मक कारक जो होता है ये आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आता है। जब आप बाहरी दुनिया में लोगों के साथ रिश्ता बनाते हो, संबंध जो होता है वो प्रभावित करता है विकास को किस तरीके से। एक व्यक्ति के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने में भावात्मक जो इमोशनल फैक्टर है, जैसे भावात्मक सामंजस्यता और परिपक्वता एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक बच्चा जो नकारात्मक भावनाओं जैसे डर, क्रोध, ईर्ष्या आदि से दबा हुआ है, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और भाषाई विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। मतलब जब आपका मेंटली आप डिप्रेस हो गए तो आपकी बॉडी में वो दिख जाता है। मतलब आप मेंटली जब स्ट्रांग नहीं होते तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, सिक्रीशन जो होती है बॉडी के अंदर, हार्मोन सिक्रीशन, ये सब आपको अफेक्ट कर देती हैं। तो वो बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब आप डिप्रेस होते हैं ये चीज़ें। यदि एक व्यक्ति अपनी भावनाओं पर तार्किक नियंत्रण नहीं कर सकता तो वह अपनी वृद्धि और विकास से निश्चित ही कष्ट पाता है, यानी उसका वृद्धि और विकास सही तरीके से नहीं होता अगर आप अपने इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करते। जो नेगेटिव फैक्टर होते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती हैं, तो विकास को ये कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर, अभी हमने डिस्कस किया, ये इमोशनल फैक्टर भी यही आता है कहीं ना कहीं। डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रिंग एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंटल प्रोवाइडेड टू दैट चाइल्ड। मल्टीपल इन्वायरमेंट्स कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द पोटेंशियल फॉर हेल्दी डेवलपमेंट। सो बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे कि आपके आसपास जो चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही है, जैसे कि आपको न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंट जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, जैसे आसपास के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, पेरेंट्स अच्छे हैं, खाने पीने को अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके विकास को प्रभावित करती हैं, आपके हेल्दी डेवलपमेंट को भी प्रभावित करती हैं। वहीं कहीं अगर बच्चा जहाँ पे स्टारवेशन हुई, जहाँ पे खाने को नहीं मिल रहा है, भूखा रह रहा है, तो उसकी जो डेवलपमेंट आपको कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा होगा बॉडी स्ट्रक्चर एज वेल एज वो मेंटली भी डिप्रेस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे पेरेंटल इन्वायरमेंट की बात करेंगे, पैतृक वातावरण की बात करें, तो इसमें आपकी माँ के अंदर जो बेटा बच्चा होता है वो गर्भाशय के अंदर का भी इन्वायरमेंट हम बात करेंगे और बाहरी इन्वायरमेंट भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम माँ के गर्भाशय में जो वातावरण होता है उसकी बात कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स द केमिकल बैलेंस ऑफ मदर्स बॉडी एंड द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस और कंडीशन दैट कैन इनहेंस और हिंडर द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसके अंदर माँ की, जब बच्चा माँ के अंदर पेट के अंदर मतलब गर्भाशय के अंदर होता है, तो वहाँ का जो वातावरण होता है अगर वो अच्छा नहीं है, उसमें केमिकल बैलेंस है, जो रासायनिक इम्बैलेंस हो जाता है, तो बच्चे क्या होती है ग्रोथ को बहुत मतलब डेवलपमेंट को बहुत प्रभावित करता है। अगर वो सब्सटेंसेस बैलेंस होती है, जैसे कि विटामिंस हो गए, जो माता को खाने को मिलता है चीज़ें, वो बैलेंस होती है, न्यूट्रिशन बैलेंस अच्छा होता है, माँ को अच्छा पोषक तत्व खाने को मिलता है, तो जो इन्वायरमेंट है अगर वो अच्छा है तो बच्चे का डेवलपमेंट बढ़ेगा, अगर नहीं है तो वो डेवलपमेंट को रोक सकता है।
तो एक जैसे कि अगर हम बात करें कैसा होना चाहिए इन्वायरमेंट, अगर बात करें तो गर्भावस्था के दौरान माँ का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी इम्पॉर्टेंट होता है कि माँ कितना फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है, ये डिपेंड करता है। गर्भाशय में एक एक से अधिक बच्चे पोषित होते हैं, अगर दो ट्विंस होते हैं तो भी अफेक्ट पड़ता है बच्चे पे। और गर्भाशय में भ्रूण द्वारा प्राप्त पोषण की गुणवत्ता की मात्रा, यानी जो बच्चा अभी डेवलप हो रहा है गर्भाशय में माँ के अंदर, तो वो किस तरीके से उसको पोषक तत्व तो मिल रहा है माँ के अंदर, तो वो भी डिपेंड करता है, उस पर भी विकास डिपेंड करता है, क्योंकि वहीं से आपका विकास शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बताया वुम्ब टुम्ब टुम, गर्भ से कब्र तक आपका विकास होता है, तो गर्भ में कैसे विकास होता है इसी तरीके से होता है। तो अगर कोई हानिप्रद विकिरण या कीड़ों से भ्रूण प्रभावित हुआ या नहीं, ये भी मैटर करता है। अगर स्मोकिंग करते हैं लोग, कोई पॉल्यूशन है उस जगह पे, तो वो अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो हो सकता है बच्चे पे प्रभाव पड़े। सामान्य असमान प्रसव भी होता है, तो डिलीवरी जो होती है वो भी अगर इस तरीके से भी प्रभाव पड़ सकता है, या गर्भाशय में बच्चे के कोई नुकसान या दुर्घटना हो गई तो भी बच्चे के डेवलपमेंट में अफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे, अभी तो हमने देखा कि वो गर्भाशय पेरेंट यानी गर्भाशय के अंदर कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, तो फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब जन्म के बाद जो वातावरण या भौतिक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है बच्चे को, वो कैसा होना चाहिए, उसका प्रभाव कैसे विकास पे पड़ता है। तो एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास, उसके जीवन और कार्य के लिए उपलब्ध उसके भौतिक वातावरण जैसे चिकित्सित देखभाल और पोषण से बृहद रूप से प्रभावित होता है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में बेसिकली उसकी टेक केयर कैसे की जाती है, उसकी देखभाल कैसे की जाती है और उसको किस प्रकार का पोषण मिल रहा है, उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है। इनमें खुला स्थान, संतुलित आहार, अच्छी जीवनचर्या और अच्छी स्थितियाँ, उचित चिकित्सीय देखभाल, ये सम्मिलित होता है। ये चीज़ें प्रभावित करती है, अगर ये अच्छी तरीके से नहीं मिलती है तो बच्चे का विकास प्रभावित होगा। लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करें, सीखने का एनवायरनमेंट कैसा होता है, इट इंक्लूड्स द डिग्री एंड टाइप ऑफ स्टिमुलेशन अवेलेबल टू द चाइल्ड, तो ये चीज़ें भी प्रभावित करती है सीखने का। मान लीजिए अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं तो वो बच्चे को, मान लीजिए कि वो बच्चे को बहुत सारी रीडिंग के लिए बुक देंगे, वो रीड मतलब पेरेंट्स भी बहुत रीडिंग का शौक है उन्हें, तो वो बच्चे को भी बहुत सारे बुक देंगे ताकि वो बच्चा भी पढ़े, तो वो बच्चा भी रीडिंग में इंटरेस्ट लेने लगता है। तो ये इन्वायरमेंट है जो लर्निंग का इन्वायरमेंट भी बहुत अफेक्ट करता है डेवलपमेंट में। इमोशनल एनवायरनमेंट की तो मैंने बात की, जैसे उसका रिलेशन पेरेंट्स के साथ, फिर उसके फ्रेंड्स के साथ कैसा, ये भी विकास में बहुत अफेक्ट करता है। फिर सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट जो है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण है जहाँ वो रह रहे हैं, आसपास के लोग कैसे हैं, समाज कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बच्चा इस सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से अपनी शक्ति की वृद्धि एवं विकास के लिए जो प्राप्त करता है, वो उसकी समझ को संपूर्ण विकास को प्रभावित करती है। जैसे कि अभिभावकों और परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति कैसे है, पड़ोस और आसपास के पर्यावरण की गुणवत्ता, बच्चे द्वारा प्राप्त विद्यालय की गुणवत्ता, एक बच्चे के सहपाठियों के संबंधों की गुणवत्ता आती है इसमें, एक बच्चों को उपलब्ध शैक्षिक और व्यावसायिक सुविधाएं और अवसरों की गुणवत्ता, सरकार कानून समुदाय के संगठन गुणवत्ता, जैसे एक बच्चा संबंध गुणवत्ता जिससे एक बच्चा संबद्ध है, तो ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे कि देश की शक्ति और स्थिति की गुणवत्ता जिसमें एक बच्चा संबंध है, वो चीज़ें भी प्रभावित करती है विकास को। मान लीजिए कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारा युद्ध चलता है, वार होता है, तो वो भी वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो इसको इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, आप इसको इग्नोर भी कर सकते, बस छोटा सा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सेंड्रा स्कार जो थे उनका मानना था कि यहाँ पे जो पढ़ेंगे, माना कि अपने बच्चे को माता पिता जो प्रवेश प्रदान करते हैं वह कुछ हद तक उनकी स्वयं की आनुवंशिक पूर्व प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ये जो सेंड्रा स्कार ने कहा था ये याद कर लीजिएगा। बाकी ये जो मैंने आपको बताया विकास के संदर्भ में, यहाँ पे ब्राउन फेन ब्रेनर ने विकास का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था जिसमें इन्होंने ये बताया था, ये दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण इन्होंने दिया था, एक मॉडल बताया था जिसमें इन्होंने लघु मंडल बताया था, मध्य मंडल, बाह मंडल और बृहत मंडल, यानी मैक्रो, जो बृहत मंडल है उसको मैक्रो सिस्टम कहते हैं, एक्जो सिस्टम होता है और ये आपका मीजो सिस्टम हो गया, बाकी आपका माइक्रो सिस्टम हो गया। तो माइक्रो सिस्टम में मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इसके आसपास माइक्रो सिस्टम में फैमिली है, विद्यालय है, तो फैमिली जो इन लोगों में जो इंट्रैक्शन होता है ये मीजो सिस्टम में होता है। तो यही बात इन्होंने कही थी और यही चीज़ बताई थी इन्होंने, यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर ने तो ये दृष्टिकोण दिया था। ठीक है,
तो इन्होंने क्या दृष्टिकोण दिया था कि विकास का परिस्थिति पर दृष्टिकोण व्यक्ति के विकास में परिवेशी कारकों की भूमिका पर अधिक बल देता है। ये जो दृष्टिकोण है ये परिवेश पे ज़्यादा बल देता है, परिवेश विकास की, परिवेश मतलब विकास जो है वो परिवेश से किस तरीके से प्रभावित होती है। तो ये आज का जो चैप्टर है यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़ेंगे और डेवलपमेंट के स्टेजेस भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो हो सकता वो चीज़ें आएँ और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।